ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. जैन धर्म की भी पवित्र धरती पवित्र नगरी है. जैन धर्म दा पवित्र भूमि ही मूडबिद्रे. कटिल दुर्गा परमेश्वरी जी बप्पा नायडू परमेश्वरी का आशीर्वाद है आपकी धरती पर. बप्पा नायडू दुर्गा परमेश्वरी हागू कटिल दुर्गा परमेश्वरी आशीर्वाद है इदे ई भूमिय मेले. धार्मिक धरती है यहाँ का. एक बहुत पुराना बहुत गहरा संदेश पूरे प्रदेश और पूरे देश में है. धर्म धर्म ऊर आगिरुवंत ई ऊरिनिंदा ओंदु तुंबा ओळ्ळे संदेश इडी देशक्के हरडिदे. सबका सम्मान प्रेम के साथ सबके साथ काम करना आगे बढ़ना और इसके साथ साथ जो सभी धर्मों का संदेश होता है ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಿ ಸತ್ಯ ಅಪನೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಸತ್ಯ ಕಿ ಭಾವನಾ ಸೆ ಸೇವಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ये जो सेवा की और सत्य की भावना है ये कोई बड़ी चीज नहीं है. ये सबके दिल में, चाहे छोटा सा छोटा काम कर रहा हो कोई, चाहे घर में माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, चाहे किसान अपनी खेती करता है, तो वो भी एक तरह से सेवा करता है. और उस सेवा को अगर मेहनत से ईमानदारी से करता है तो ये बहुत एक अहम बात होती है. और यही आपकी संस्कृति आपकी सभ्यता ने आपको सिखाया. ಈ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಮಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Yes, we can. Yes. Okay. ठीक है. देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सब मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और जिस हद तक आप कर सकते हैं जितना भी आप काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, घर में काम हो, नौकरी हो, आपकी खेती हो, या आप मछुआरे हैं तो जो आपका काम है समुद्र में जो आप काम करते हैं, ये सब चीजें अगर आप ईमानदारी और सत्य और सेवा की भावना से करें तो ये सब देश के निर्माण में भागीदार होती हैं. तो जब देश बनता है, प्रदेश बनता है, तो आप ही उस प्रदेश उस देश के निर्माता बनते हैं. और हर धर्म ने यही सिखाया है. इसीलिए जब हमारी सरकारें भी बनती हैं तो हमारी सरकार से उम्मीद या आशा क्या होती है? हमारी सरकार से यही उम्मीद होती है कि ईमानदारी से हमारे नेता काम करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे. और उसी आधार पर फिर हम चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो हम उन नेताओं को फिर से आगे बढ़ाएं. तो जब नेता हमारे सामने आते हैं बातचीत करने के लिए, खासतौर से चुनाव के समय, तो हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी कुछ काम की बात करेंगे. आज चुनाव का समय है. हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं,
मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ आते वक्त इसी तरह का एक हैंगर लगा था और खाली जगह थी। शायद मैंने पूछा किसकी मीटिंग थी, तो कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो आप सबसे उम्मीद यही रखते होंगे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही है, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, शायद उनको कोई गलत फहमी है। मैंने सोचा कि क्या होता है कि जब सत्ता बहुत हो जाती है तो अक्सर जो अधिकारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सत्ता से डरते हैं, मतलब सच नहीं बताते आपको। तो हो सकता है कि जब इनका भाषण तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी बैठे थे उनकी चर्चा हुई होगी कि हम भाई क्या बताएं मोदी जी को, कौन से मुद्दे में कर्नाटक जा रहे हैं, वहां पे कौन सी बातें करेंगे। तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम कहेंगे क्या, रोजगार तो बनाए ही नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती है, दाल सब्जी आटा डीजल पेट्रोल नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी, आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा चलो यही मुद्दा दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं।